Hey guys, what's up? Namaskar, Kencho, Adab, Sashyakal, Vanakkam. Welcome back to our YouTube channel, Mr. and Mrs. Raj. मैं हूं सचिन, आप सभी का अपना दोस्त. और यहां साथ में मनीषा, खुली बालों में. आज कितने दिन बाद बाल खोली हुई है, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहां से मतलब ये भावना आ गई मन में कि हाँ भाई बाल को खोलना, खुले रखना चाहिए. तो फिलहाल गाइस अभी हम लोग यहाँ पर इनको आप देख सकते हो ऐसे बाल खुले हुए, ऐसे जैसा लग रहा था डेली कॉलेज जाते थे वैसे बाल ऐसे. तो अभी गाइस शाम के लगभग वक्त हो चुके हैं, कुछ कितना बज रहे होंगे यहाँ पे, यहाँ के टाइम से हो चुके हैं 8:30 और इंडिया के टाइम से हो रहे होंगे लगभग 7 बज रहे होंगे शाम के. तो अभी हम लोग निकल रहे हैं बाहर. लंच वंच तो हमने कर लिया था, चावल दाल रोटी सब चीज़ों की. और इसके बाद हम लोगों ने होटल में खा लिया था आज. और कुछ मनीषा बाहर से शॉपिंग वॉपिंग करके लाई थी खाने पीने का, तो वो सारा चीज़ हुआ था. तो अभी फिलहाल यहाँ से निकलते हैं हम लोग, हाँ केक और जूस वगैरह. तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मार्केट. और मार्केट आज की ब्लॉगिंग ना मैं अपने कैमरे से ही करूँगा, नहीं जूस को बाद में ट्राई करेंगे. तो चलो निकलते हैं यहाँ से बिना किसी देरी के, मिलते हैं आप सबसे और रोड का आज नज़ारा दिखाते हैं. दोस्तों अभी हम लोग जस्ट जाने वाले हैं और फिर वापस रास्ता नाप कर आने वाले हैं खा पी करके, और बाहर का नज़ारा वगैरह भी दिखाएंगे. तो इसलिए मनीषा ने आज जीन्स और कुर्ती का कॉम्बिनेशन डाला हुआ है. चले तो बस खाने ही जाना है, क्या करेंगे, बाकी घूमने वाला तो घूम लेंगे वैसे. चले तो चलो निकलते हैं यहाँ से. तो रात का नज़ारा है और थाईलैंड की सड़क जो है फुकेट की सड़क कुछ इस तरीके की है. और बारिश होती है ना, कल भी बारिश हुई थी, परसों भी बारिश हुई थी, दो रात से हम लोग हैं, दोनों रात भरपूर बारिश हुई थी और आज भी ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी. तुमको क्या लग रहा है मनीषा? आज भी लग रहा है बारिश होगी, पर आज वैसा मौसम नहीं दिख रहा. आज बारिश जैसा मौसम नहीं दिख रहा है, लेकिन आसमान में तारे सितारे ये सब कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि तारे सितारे जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बारिश अभी. अच्छा लगता है यहाँ. बारिश कितना बजे होता है? 9-10 बजे होता है. अभी तो कल हम लोग 11 बजे निकले थे लेट से खाने के लिए. चलो गाइस देखते हैं. तो पहले अभी हम लोग ना घूम रहे हैं, आज हम लोग एक चीज़ कोशिश करेंगे, हम लोग वायरलेस माइक खरीदने के लिए भी जाएंगे, देखेंगे वायरलेस माइक यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं, और अच्छी कंपनी का लेंगे जिसकी इंटरनेशनल वारंटी भी हो. तो अगर हम लोगों को रेट्स रिजनेबल लगे तो हम लोग ले लेंगे, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है. और भाई अब हम लोग आ चुके हैं मेन रोड पे, जहाँ पे नज़ारा कुछ इस तरीके का देखेगा, इसलिए पूरा फुल ड्रेस कवर किए हैं. आज फुल ड्रेस पहन रहे थे तो बहुत लोग कंपेयर करने लग गए थे इसमें. तो चलो गाइस, ड्रेस जैसा पहनो तो भी दिक्कत, शॉर्ट पहनो तो दिक्कत, लॉन्ग पहनो तो दिक्कत, इंडियन पहनो तो दिक्कत, वेस्टर्न पहनो तो दिक्कत. तो हम लोग अपने अपने अकॉर्डिंग ही करते हैं भाई, जिसको जो बोलना है वो बोले. हवा बहुत तेज चल रही है ना, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे विभिन्न प्रकार की जो सी फूड है, जो कि यहाँ पे देखो ये फिश है और ये पता नहीं क्या क्या ये लोग खाते हैं. हाँ वो फिश है, और पता नहीं क्या क्या इनको, फिश का वैरायटी बताओ यहाँ पे कि कौन कौन सा फिश है. चलो चलो उधर, बाप रे ये तो स्नेल है, स्नेल स्नेल है. चलो गाइस तो अभी हम लोग आगे निकल रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ. तो मेढक लगता है, मेढा मेढक ही था एको. पता नहीं यहाँ मेढक खाते हैं, यहाँ बिच्छू भी खा जाते हैं गाइस. यहाँ बिच्छू, बिच्छू तो खुलेआम मिलता है, बिच्छू आप लोगों को तो मैं ऐसे दिखा दूंगा. ये जाके कुछ बोले वेरी डेंजरस, बहुत डेंजरस तो बोले नो. चलो गाइस तो अभी हम लोग यहाँ पर आप मार्केट को, आपको मार्केट का नज़ारा दिखाते हैं. यहाँ के लोग जो भी हैं आपको मैं एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ यहाँ पर किस तरीके से. यहाँ पर साइड बाई साइड शॉपिंग मॉल्स वगैरह भी होते हैं, और मैं आपको क्लियर कट बता दूँ तो ये वॉकिंग के लिए एरिया बना हुआ है जहाँ पर हम लोग वॉक वगैरह करते हैं. और यहाँ से हम लोग क्या आपके कोई दोस्त भी तो बोले थे, हाँ तो उधर चलेंगे ना अभिषेक भाई के पास. अभी अभी चलते हैं अभिषेक भाई के पास. यहाँ पे फ्रूट्स स्टॉल वगैरह कुछ इस तरीके से, भर भर के ऐसे फ्रूट्स मिल जाता है. ट्रॉली बहुत क्यूट है, ट्रॉली बैग. चलो हम लोग वैसे ही ट्रॉली बैग एक्स्ट्रा लेकर के आए. और यहाँ के जो शूज़ की दुकान होते हैं ना, उन सब में टांगे लगा करके चप्पलों को बेचा जाता है कुछ इस तरीके से. क्या यहाँ हर चीज़ का आइडिया लेंगे और पूछेंगे, थोड़ा ज़ोर से बोलना क्योंकि कैमरा है. ठीक है, आज यहाँ का ना हर चीज़ का आइडिया लेंगे, वैसे हमारे इंडिया में ऐसे. यहाँ ट्रॉली बैग भी इसको क्यूट क्यूट सा लग रहा है, बहुत प्यारा है. बाकी ये मार्केट है कुछ ऐसा सा. चलो आगे का आप लोग और नज़ारा दिखाते हैं. तो क्या करेंगे अभी, डिनर ही करेंगे, इतना ही टाइम. तो भूख लगा है कि नहीं? चलो दोस्तों तो अभी चलते हैं आगे. कितना सुंदर कप प्लेट देखो,
मनीषा को ये कप प्लेट्स पसंद आ गए गाइस। मेरे को कटोरी बहुत अच्छा लगा। और ये शीशे के अंदर है तब इतना चमक रहा है, सोचो शीशे से बाहर होगा। बहुत सुंदर। चलो अब आगे चलते हैं, अपना मूव ऑन करते हैं आगे आगे धीरे धीरे। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे दो मॉल है, एक मॉल आपको यहाँ पे दिख रहा है सामने, ठीक है, और एक मॉल आपको ये सेंट्रल वाला दिख रहा है। तो टोटल यहाँ पे दो मॉल है, तो दोनों मॉल में कौन से मॉल में हम लोगों को अपना काम वाला सामान मिल जाएगा वो चीज़ देखना है, क्योंकि मुझे लगता है कि सेंट्रल में इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम मिल सकता है। मैं आगे आगे चला, ये लड़की क्या कर रही है, गाड़ी के पीछे छुपने का एक्टिंग कर रही है। हाँ। कि मेरे को ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, ये है जेंसियॉन, पता नहीं क्या है। तो ये एक मॉल है, बाकी एक ये मॉल है दूसरा वाला। यहाँ का टुक टुक मॉल भी बहुत, टुक टुक गाड़ी भी बहुत अच्छा है, सब में डीजे वगैरह लगा हुआ है। ये शो देखने के लिए हम शो देख के क्या करेंगे? कौन सा मूवी? नहीं, ये वो सब शो देखने के लिए बोलते। तुम ही जा, तुमको लड़की लोग भी जाता है देखने। और यहाँ पे छोटा हाथी बड़ा हाथी का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे तो हमको नहीं लगता कि मिलेगा। तो दोस्तों पटाया के मॉल में आप सभी का एक बार स्वागत है। बारिश हो रहा था, वही तो गए थे जेम्स बॉन्ड। तो अभी मॉल के अंदर है, वो पर्स देखो, पर्स ऐसा लग रहा है आँख मुँह नाक सब बना गया। कौन सा जगह था नहीं पता हमको, तुम कौन सी जगह की बात करी ये नहीं पता। यहाँ मेकअप के प्रोडक्ट्स वगैरह देख लिए, इसको काम का मिल गया सामान। तो यहाँ पे भाई साहब इनका मेकअप का सामान मिल गया, तो अभी मेकअप पे ज़्यादा फोकस करेंगे। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, एक्सक्यूज में, इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे डाउन स्टेयर्स, थैंक यू, इन साइड, ओके, फ्रॉम विच साइड डू वी नीड टू गो? तो नीचे से जाएगा बा, ठीक बा। तो गाइस हमने के ज़्यादा नहीं सर, नीचे अभी मॉल है, बाकी यार वो लोग बताए हम जैसन भी लागे, उम्मीद बाकी वो लोग एकदम इन्जॉय करो। बाकी मनीषा यहाँ पर देखो, इनका भी अपना वीडियो चल रहा है साथ साथ, मेहनत देख रहे हो गाइस कितना मेहनत करना पड़ रहा है। तो ये मॉल है, वाह यार यहाँ पे क्या ज्वेलरी का डिज़ाइन है, अट्रैक्टिव है। चलो बाकी हम लोग अभी चलते हैं मॉल से नीचे, नीचे जाना है यहाँ पर। तो मनीषा ये तो पूरा का पूरा फ्लोर ही तुम्हारा वो है मेकअप वाला, खाली यहाँ मेकअप का ही सामान मिल रहा है। 3600 बाट मतलब सुना, इतना तो हम लोग घूम लेते हैं। लेना है क्या? कितने का पड़ा? 10,000 बस, ये डायमंड है। चार चार, हाँ 10,000 के आसपास पड़ा। चले चलो दोस्तों अभी चलते हैं यहाँ से, और इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे चलना है हम लोगों को। यहाँ पे वॉचेस का पूरा स्टॉल लगा हुआ है। ओ मनीषा चलो, लेट हो रहा है, पता नहीं कितना टाइम और लगेगा। सब भूख लग रही है ना, तो यही सब दिख रहा है, डोनट। और देखो 115 बाट, 115 बाट का मतलब 230 प्लस फिर 60 और, मतलब 300 रुपये के आसपास। अभी हम लोग चलते हैं यहाँ। वाओ सुना, ये देखिए चश्मा, इससे चश्मा तुमको अच्छा लग रहा है, लेना है? नहीं, ये सब कॉलेज 100 बाट का, सिर्फ कुछ भी 100 बाट का। ये सब भी हाँ लगा लो, लगा के चेक करो, चेक करें, हाँ चेक करो, इनसे हम हिंदी में बात करेंगे। हाँ बात करो, हाँ चेक करो, हिंदी में बात करो। तो गाइस देखो थाईलैंड में ये हिंदी में बात कर रही है आकर के यहाँ के लोगों से। ऐसे लगेगा हटो तो थोड़ा देखें। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा चश्मा, इतना पतला चश्मा है यार, कैसा लग रहा है गाइस आप लोग जरूर बताओ। तुम पहनो मनीषा एक बार, इसको देखिए गाइस ये भी पहन लगी, तुम्हारे ऊपर थोड़ा ज़्यादा सूट कर रहा है, ले सकती हो, लेना है तो। नहीं बहुत महंगा, महंगा तो हर कुछ ही है। 100 बाट मैंने 250, हमने क्या 100 रुपया में मिले ना, 80 रुपया का सामान है। चलो चल बू, यही जा रहा बू दिन भर गाई, जब मीट उट मिल रहा है। 60 बार नहीं, नो बार्गेनिंग, फिक्स प्राइस। जब इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पर, हम लोग फाइनली रूम में आ चुके हैं, डिनर वगैरह करके, डिनर में खाया कुछ बचा तो पैक भी करा लिया,
अब हम लोग को फिर कल, अब आज तो पूरा दिन हम लोग को होटल वोटल में रह गया, तबीयत थोड़ी सी वैसी थी ना, और मन अभी भी वैसा हो रहा है, बट कोई बात नहीं है, अब आए हैं तो यहाँ पे रहेंगे नहीं ज़्यादा टाइम, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि और हम लोग का थाईलैंड में 3-4 दिन का ट्रिप है, तो अब एक भी दिन वेस्ट ना करें, आज का पूरा दिन तो वेस्ट ही हो गया एक तरह से, तो सुबह उठेंगे और सुबह फिर कहीं घूमने के लिए निकलेंगे, और ये ब्लॉग आपको तब तक सुबह में दिखेगा। मिलते हैं आप सबसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें, सब लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें ज़बरदस्त रहें, थैंक यू सो मच गाइज। और अगला वीडियो जो है ना वो थोड़ा सा लेट हो जाएगा आने में, अगर हम लोग कहीं घूमने फिरने गए तो आप लोग प्लीज़ बेयर कर लेना, थैंक यू सो मच एंड या जय हिंद, लव यू ऑल।